एरे के बारे में बेसिक्स पढ़ लिए। अब एक काम करते हैं, यूजर को बोलते हैं कि भाई तू एरे का इनपुट डाल और उसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यूजर हमें इनपुट देगा एरे के लिए और हम उसे आउटपुट ला के देंगे, उसका क्या होगा, मतलब उसे सेम ही एरे को प्रिंट करेंगे। चलो तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है? इसको भी कमेंट कर देते हैं और ये हमारा, तो इसको हटा ही देते हैं। ये हमारा एक इनपुट एरे बन के तैयार है 10 साइज का। चलो उसको 10 साइज का भी नहीं बनाते, यूजर से पूछ लेते हैं कि कितने साइज का बनाना है, ठीक है? तो यूजर से पूछेंगे, बोलेंगे एंटर साइज ऑफ अरे, ठीक है? हम सेव कर लेंगे अब साइज को इस साइज वेरिएबल में, ठीक है? यहाँ से हमें साइज मिल जाएगा और जो ये हमें साइज मिला है उसी साइज का एरे बना देंगे। सबसे पहले ये स्कैनर क्लास को, स्कैनर क्लास तो बना दे, फिर उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो स्कैनर SC न्यू स्कैनर System.in, फाइन फाइन। चलो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इस क्लास को, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया जावा यूटिल से, यहाँ पे आ गई है। चलो हमने क्या पूछा कि भाई साइज बता दो एरे का, उस साइज को हमने स्टोर कर लिया साइज वेरिएबल में, उतने साइज का ही वेरिएबल बना दिया। तो लेट्स से यूजर ने बोला कि तुम मेरे को 5 साइज का बना दो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक इंडेक्स जाएगा और ये हमारा 5 साइज का बन जाएगा। तो ये हमने 5 इस साइज वेरिएबल में यूज करा और इस 5 साइज का ये ARR एरे बना दिया, ठीक है? यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, यूजर से इन 5ों की वैल्यू पूछते हैं, ठीक है? यूजर से इन 5ों एरे की वैल्यूज पूछते हैं, इन ब्लॉक्स की वैल्यू पूछते हैं। तो लूप चलाते हैं कितनी बार, साइज की बार, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, जितना साइज है उतनी बार लूप चलाते हैं और यूजर से वैल्यू पूछते हैं, ठीक है? तो ARR ऑफ आई में, आईएथ ब्लॉक में एरे की क्या रखेंगे, जो यूजर हमको वैल्यू बोलेगा, ठीक है? फिर उसको प्रिंट कर देंगे। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, इस फॉर लूप में टेक इनपुट, ठीक है, फ्रॉम यूजर, और यहाँ क्या काम करा हमने, हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट कर देंगे ये प्रिंट फंक्शन यूज करके। तो क्या ARR ऑफ आई कर देंगे विथ सम स्पेस। चलो चलो देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, हमें लेट से ये एरे बनाना है 5, 1, 2, 4, 3, ये एरे बनाना है, ठीक है? तो बनाते हैं इसको, चलो रन करते हैं अपना प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है कि साइज बताओ एरे का, 5 साइज का एरे होना चाहिए ना, तो हमने 5 बता दिया। अब हमें इनपुट देना है, इनपुट कैसे देना है, 5, 1, 2, 4, 3। सो 5, 1, 2, 4, 3, ये ऐसा एरे होना चाहिए। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे यही एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा, यही सेम का सेम हमारा एरे प्रिंट हो गया, ठीक है? तो ये वाला हम कंसोल पे क्यों देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमने इनपुट दिया है, ठीक है? इनपुट क्या है, साइज का। तो ये हमारा बन गया एरे, हर साइज हर एलिमेंट की वैल्यू हमने दे दी और यही सेम हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी, फाइन। चलो अब एक काम करते हैं, एरे को एक फंक्शन में कैसे पास करते हैं ये देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड इन द मेन फंक्शन, व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट सेपरेट फंक्शन फॉर सेपरेट यूज, राइट? मतलब इनपुट के नहीं अलग फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट के नहीं अलग फंक्शन बनाते हैं। चलो तो एक फंक्शन बनाते हैं एरे क्लास में ही, इनपुट फंक्शन, ठीक है? क्या करेगा, कुछ रिटर्न तो ये करेगा नहीं, ठीक है? टेक इनपुट फंक्शन है, पर इसके पास क्या होगा, क्या होगा इसके पास, इसके पास कुछ भी नहीं होगा। और रिटर्न एक्चुअली ये क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा, ठीक है? तो इसका रिटर्न टाइप एरे होगा, ये हमने बना दिया। तो किस तरह से होगा, देखो यही सेम कोड तुम जो है यहाँ पे कर दो कॉपी यहाँ पे,
चलो ये सेम तुमने कर दिया कोड यहाँ पे कॉपी, और अब यहाँ पे ले लो इनपुट इसका, यहाँ पे ले लो इनपुट ठीक है यूजर से। चलो अभी के लिए प्रिंट को हमारा कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक है। टेक इनपुट क्या एरर दिखा रहा है, पब्लिक इंट ये टेक इनपुट फंक्शन, और रिटर्न कर दो फाइनली ये ए आ रहा। चलो तो अब हमने फंक्शन के फॉर्म में कर दिया काम, क्या कर रहे हैं हम इस फंक्शन में, पहले हम अपने मेन में लिख रहे थे कोड, अब इस फंक्शन को लिख रहे हैं, जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार हम इनपुट ले पाएंगे ठीक है, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा फंक्शन का मतलब आपको पता है अब तक तो। चलो तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे टेक इनपुट को कॉल करेंगे ये वाला कोड रन हो जाएगा, ये वाला कोड रन करके क्या बोलेगा कि भाई एंटर करो साइज, साइज बताओ, हम साइज रख लेंगे और फिर उसको मस्त एरे बनाएंगे उतने साइज का, और फिर यूजर से हर एक ब्लॉक के लिए वैल्यू पूछेंगे और सेव कर देंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे ठीक है। तो ये कुछ एरे रिटर्न कर रहा होगा हमें टेक इनपुट फंक्शन ठीक है, कुछ एरे रिटर्न कर रहा होगा टेक इनपुट फंक्शन, तो उस एरे को स्टोर करके रख लेते हैं ठीक है। तो ये हमें एरे रिटर्न कर रहा होगा टेक इनपुट फंक्शन की कॉल, तो उसे हम यहाँ स्टोर करके रख लेते हैं। फाइन, कुछ दिक्कत आई क्या, टेक इनपुट ए आ रहा, क्या दिक्कत बोल रहा है ये, क्रिएट चेंज टू स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक भी तो होना चाहिए ये, चलो स्टैटिक और लगा दिया बस ओके। तो ये टेक इनपुट फंक्शन हमें एरे दे देगा। अब प्रिंट फंक्शन के लिए प्रिंट फंक्शन बनाते हैं, उसमें भी इसको यूज कर लेंगे, तो प्रिंट फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, जो सिंपली प्रिंट करेगा वो, पर प्रिंट करने के लिए उसको एरे तो पास करना पड़ेगा, तो हमने एरे पास कर दिया। अब प्रिंट फंक्शन बनाते हैं हमारा ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक कुछ पास रिटर्न टाइप इसका होगा नहीं, नाम इसका प्रिंट है, और इसका कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा वो जो इनपुट एरे हम देंगे इसको ठीक है। अब सिंपली इसको क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे है ना, ये हमने इसका कोड लिख ही रखा है, इसको यहीं पे दोबारा यूज कर लेते हैं ठीक है। ओके तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन बन के हो गया है रेडी। अच्छा साइज में एरर दिखा रहा है, साइज नहीं से पता क्या है, तो हमारा साइज क्या होगा, साइज वही होगा जो एरे की लेंथ है। चलो तो आई थिंक ये हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अब क्या हमने सीखा कि हम एरे को एक फंक्शन में कैसे पास करते हैं ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो इस टेक इनपुट फंक्शन में हमारा रिटर्न टाइप क्या था, एरे ठीक है। तो हमने क्या करा, एरे बनाया और उसे रिटर्न कर दिया ठीक है। इस प्रिंट फंक्शन में क्या था, इस प्रिंट फंक्शन में क्या था, इस प्रिंट फंक्शन में हम एज अ आर्ग्यूमेंट एरे पास कर रहे थे अपने फंक्शन में, और यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे थे बस सिंपल ठीक है। तो हमने ये भी सीख लिया, चलो हमने दो तीन नई नई चीजें सीख ली। अब एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, क्या फंक्शन बनाते हैं, चलो एक फंक्शन बनाते हैं फाइंड लार्जेस्ट ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट, फाइंड लार्जेस्ट क्या करेगा, हम इसे एरे लाके देंगे और हमें ये लार्जेस्ट वैल्यू एरे की, लार्जेस्ट वैल्यू लाके रिटर्न कर देगा, कुछ ऐसा फंक्शन बनाते हैं ठीक है। चलो तो ये फंक्शन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं फाइंड लार्जेस्ट, जिसे अगर हमने लेट से ये वाला एरे पास करा ना, तो इसे मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी हमें ला के दे देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है इसके, इसमें तो हमें 5 रिटर्न कर देगा ये फंक्शन फाइंड लार्जेस्ट ठीक है। चलो तो आई होप तुमको आ गया है समझ में कि कैसे काम कर रहा होगा ये। फाइन तो बनाते हैं फाइंड लार्जेस्ट फंक्शन, क्रिएट दिस मेथड, ये ऊपर कहीं बन गया या नीचे कहीं बन गया, ये रहा नीचे बन गया, पब्लिक बना देते हैं इसको अभी के लिए ठीक है। ये हमारे पास एरे आएगा, कैसे फाइंड लार्जेस्ट करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स, जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगा, और इनिशियली इसमें मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं, मैं बताता हूँ मिनिमम क्यों डाल देंगे इसमें, मैथ ओ सॉरी मिन वैल्यू ठीक है, मिनिमम वैल्यू डाल दी पॉसिबल इंटीजर की। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जितना एरे की लेंथ है ना उतनी बार लूप चलाएंगे ठीक है। और अगर अगर हमारा जो मैक्स है वो स्मॉल होता है किसी भी एरे की आईथ वैल्यू से, यानी एरे की आईथ वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो मैक्स में क्या डाल देंगे,
कि मैक्स तो भी जो पुरानी वैल्यू थी वो तो छोटी है, तो अब ये नई वाली वैल्यू रख ले क्योंकि ये तेरे से ज्यादा है, ठीक है। और एट फाइनली आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिस लूप वी विल सिंपली रिटर्न दिस मैक्स वेरिएबल, ठीक है। चलो तो ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है देखो, और इस फंक्शन में हमने क्या करा, इस फंक्शन में हमने हमारा एरे पास करा एज अ आर्ग्यूमेंट, और हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू उस एरे की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं। सबसे पहले टेक इनपुट फंक्शन कॉल करके एरे बनाते हैं, 2, 3, 10, 1, 5 ये एरे बनाते हैं, 5 साइज का ही बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये यूजर से इनपुट लेंगे, प्रिंट कर देंगे 2, 3, 10, 1, 5 को प्रिंट फंक्शन से, और फिर नेक्स्ट लाइन में लार्जेस्ट जो होगा, 10 है लार्जेस्ट तो 10 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारा कोड चल रहा होगा। चलो और ये लार्जेस्ट निकालेंगे कैसे, बाय द वे लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो लार्जेस्ट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये जो हमारा लार्जेस्ट फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है, तो बहुत आसान है। देखो हमें लार्जेस्ट निकालना है सारे का, तो एक मैक्सिमम वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें हम मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं इंटीजर की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इंटीजर की होती है 2 to the power 31 -1, ठीक है। 2 to the power 31 जो भी होगी उसमें से -1 कर दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इंटीजर की, लेट से -∞ है हमारी सिंपलिसिटी के लिए। क्या -∞ 2 से छोटा है, ऑफ कोर्स -∞ 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे क्योंकि इसे थोड़ी अपने से बड़ी वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यस, तो हम फिर से अपडेट कर देंगे हमारे मैक्स को, यहाँ पे 3 आ गया। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या 10 हमारा 3 से बड़ा है, फिर से हमारे को मैक्सिमम बड़ी वैल्यू मिल गई, तो अपडेट कर देंगे। अब देखो, अब 1 क्या हमारा 10 से बड़ा है, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। 5 क्या हमारा 10 से बड़ा है, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। और एट फाइनली हमारे मैक्स में जो फाइनल वैल्यू होगी डेट इज 10 इस केस में, इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अपना फाइंड लार्जेस्ट फंक्शन बनाया है हमने, जो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू हमको लाके दे रहा है। चलो तो फटाफट से कोड रन करते हैं अपना। तो अब हमें कंसोल में क्या मिल रहा है कि साइज बताओ एरे का, तो हमें यही एरे बनाना है, तो हमने बता दिया 5 साइज। क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए उसमें, उसमें वैल्यू होनी चाहिए 2, फिर 3, फिर 10, फिर 1, फिर 5, ठीक है। ये हमने इनपुट दे दिया, जैसे मैं इनपुट देके एंटर मारूंगा हमारा प्रिंट हो जाएगा ये, और फिर नेक्स्ट लाइन में, आई थिंक नेक्स्ट लाइन में नहीं होगा प्रिंट, मैंने यहाँ पे एक ई और लगा दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने एक और लगा दिया, अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो दोबारा से 5, फिर 2, फिर 3, फिर 10, फिर 1, फिर 5। अच्छा अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा सारे, एक तो इनपुट जो हमने दिए हैं वो फिर से प्रिंट हो जाएंगे प्रिंट फंक्शन यूज करके, और फिर उसके बाद हमारा लार्जेस्ट हमें मिल जाएगा। तो ये दबा रहा हूँ मैं एंटर, ओहो हमें तो नहीं मिला। अच्छा हमें क्यों नहीं मिला, हमने एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, हमने लार्जेस्ट ले तो लिया पर उसे प्रिंट करना तो भूल ही गए। ओके प्रिंट भी कर देते हैं भाई, ये लार्जेस्ट हमने प्रिंट कर दिया। चलो अब फिर से रन करते हैं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। 5 साइज का एरे है, उसके अंदर वैल्यू है 2, 3, 10, 1, 5। अब फिर से देखते हैं, पहले प्रिंट होगा सारा एरे फिर लार्जेस्ट। तो ओके ये देखो हमारा मस्त चल रहा है प्रोग्राम। पहले क्या करा हमने, साइज बताया, साइज इनपुट दिया, फिर एरे की सारी वैल्यूज की ब्लॉक्स के लिए वैल्यूज असाइन करी, फिर वो सारी वैल्यूज हमने प्रिंट करी, और फिर जो हमारा फाइंड लार्जेस्ट फंक्शन है ना वो मैक्सिमम हमको लाके दे रहा है, डेट इज 10। तो ये देखो हमने एरे देख लिया कैसे फंक्शंस में पास करते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप तुमको समझ में आया होगा ये सब। ओके थैंक यू गाइस।